वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मज़ेदार तरीका से देखेंगे। बहुत आसान है ये, एकदम यूं आप देखते ही क्वेश्चन बना दीजिएगा। कैसे कह रहा है कि मैसूर, मान लीजिए कि दो ट्रेन है, डायरेक्ट हम आपको समझा दे रहे हैं, दो ट्रेन है, उस दोनों ट्रेन को चलना है 120 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ अगर जाना होगा, एक वो जगह दिया है मैसूर से जाना है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर, और इन मैसूर से बेंगलोर की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। दो गो ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है सवारी गाड़ी, मतलब वो भी ट्रेनें हैं लेकिन सवारी गाड़ी है। तो दोनों कैसे चल रहे हैं, एक्सप्रेस फास्ट भाग रही है और सवारी गाड़ी थोड़ा धीरे भाग रही है। अब बताइए, मान लीजिए कि सवारी गाड़ी जब धीरे जा रही है तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सवारी गाड़ी जो है, एक्सप्रेस जो है, एक घंटा कम समय लेती है सवारी गाड़ी से। यानी कि अगर दो ठो ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये एक्सप्रेस हो जाए और ये आपकी सवारी गाड़ी हो जाए, ठीक है, तो ये वाला जितना समय लगे उससे एक घंटा कम समय ये एक्सप्रेस ले रही है, सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये फास्ट भाग रही है। कितना के स्पीड से चल रही है? तो ये जितना भी सवारी गाड़ी स्पीड अपना चल रही है उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा ये फास्ट भाग, किलोमीटर प्रति घंटा ये ज़्यादा फास्ट भाग रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितना ही सवारी गाड़ी का जितना भी स्पीड है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट कौन भाग रही है? एक्सप्रेस भाग रहे, इसीलिए ये एक घंटा कम समय ले रही है। तो सबसे पहले दोनों का चाल पता कर ले कि ये कितना स्पीड भाग रही है और ये कितना स्पीड भाग रही है। देखिए, माना कि सवारी गाड़ी की चाल x, सवारी गाड़ी कितना के स्पीड से भागी? x किलोमीटर प्रति घंटा, आ इससे फास्ट भागती है एक्सप्रेस, कितना? 11 किलोमीटर अधिक फास्ट भागती है। अगर ये एक घंटा में मात्र जाएगी 10 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस को अगर ले जाए तो एक ही घंटा में वो जाएगी कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। कैसे हुआ? तो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर ये क्या भागेगी? फास्ट भागेगी, तो कितना हो जाएगा? 21 ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना है? x प्लस 11, ये चाल है, क्या है? चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये याद रहेगा। और दूरी कितना है, दोनों को कितना चलना है? दूरी चलना है इन लोगों को कितना? 132 किलोमीटर। बस तो निकाल लीजिए अब यहाँ पे। और एक और आपको बता दें, आप बताइए, जब दूरी पता हो गया, चाल पता हो गया, और समय कितना लग रहा है, तो देखिए इसका एक घंटा कम समय इसका लगता है एक्सप्रेस का। जो एक्सप्रेस भागेगी तो बहुत फास्ट, जाना है 120 किलोमीटर ही, तो जाहिर सी बात है कि ये जल्दी पहुँचा देगी क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो गाड़ी जल्दी पहुँचाती है, तो कितना जल्दी पहुँचाएगी? ये जितना भी समय लगे उससे एक घंटा कम समय ये लेगी, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आप प्रश्न से करके बना सकते हैं, प्रश्न से आप कर सकते हैं। टाइम बराबर का होता है, तो टाइम बराबर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जितना भी समय लेगी उससे एक घंटा कम समय ये लगी। तो मान लीजिए कि ये वाली गाड़ी, ये वाला ले रही है 4 घंटा समय और ये वाला ले रही है 3 घंटा समय, तो बताइए कितना ज़्यादा ये समय लिए? एक घंटा ज़्यादा समय लिए, यही ना हुआ है। तो यही प्रश्न से करके आप एक काम करें, T1 में से इसके समय में से इसका समय घटा लीजिए, T1 में से T2, और कितना आएगा? एक घंटा कम समय लगेगा। पहला का समय हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और माइनस, डायरेक्ट आप समझिए, और ये क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, और दोनों में समय का कितना का अंतर है? तो एक घंटा का अंतर है। कितना का अंतर है? क्यों एक घंटा? यहाँ की आपको क्वेश्चन में लिखा है एक घंटा समय कम लेती है, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? एक घंटा है। अगर ये 4 घंटा में पहुँचाएगी तो ये वाली कितना घंटा में पहुँचाएगी? 5 घंटा में पहुँचाएगी, तो दोनों का अंतर हो गया। दूरी कितना है? 132 किलोमीटर, चाल इसका कितना है? एक्स, और माइनस, इसका दूरी 132 जाना है लेकिन इसका चाल ज़्यादा है, एक्स प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस 11, ये हो जाएगा आपका, बट्टा का जोड़ कीजिएगा 132 एक्स प्लस 11, और माइनस ये हो जाएगा आपका 132 एक्स इज इक्वल टू 1, घोड़ा कीजिए तो हो जाएगा 132x प्लस 132 में 11 से 11 दूना 22 के 2, हाथ में 2 बचा और 11 तीन 33 34 35 के 5 3 हो जाएगा, 11 एक 12 13 14,
ठीक है, और माइनस 132 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए x है ये, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, आया कितना 1452। बीच में ये देखिए इसको हम उतार दिए हैं और जो है वो इसको भी उतार देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। जब भी बीच में बराबर हो आँख बंद करके तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए। ये तो नीचे कुछ है नहीं, बेचारा अकेले रह जाएगा, 1452 तो अकेले रह गया। ये गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 11x। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस में कितना हो जाएगा 1452 इज इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा। इधर 0 होगा माने इधर तो भेजे कुछ नहीं तो यहाँ 0, लेकिन अच्छा इधर 0 नहीं लगता है। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि ये सवारी गाड़ी कितना के स्पीड से चल रही है और ये एक्सप्रेस कितना के स्पीड से चल रही है। इन दोनों को तोड़िए फर्स्ट इंटू लास्ट पर, या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आप लगा के तोड़ लीजिए, हम तो तोड़ रहे हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पर। देखिए कैसे एक्स स्क्वायर इसको हम तोड़ सकते हैं, प्लस ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 44 लिखिए ऐसे 44x प्लस और माइनस 33x और ये हो जाए कितना 1452। ठीक है, जब ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो आएगा 1452, आई दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा, 44x में से 33x जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x, आई दोनों को गुणा करने पर फिर 1452 आ जाएगा। दोनों में कुछ मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, माइनस 33 मिल रहा है, तो एक्स प्लस 44। एक बार बाहर वाला लिखा जाता है, एक्स माइनस 33 बराबर 0। ठीक है, चलिए पहले बाहर वाला लिख दे और एक बार अंदर वाला लिखिए, x प्लस 44, एक्स माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 33। यानी आइए देखिए इसको अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस में यहाँ स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x बराबर 33 आया। बताइए सवारी गाड़ी बेचारी जो धीरे धीरे गरीब रथ की तरह चल रही थी, उतने एक घंटा में कितना जाएगी, 33 किलोमीटर, और इससे 11 किलोमीटर फास्ट, किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट कौन भाग रही है, एक्सप्रेस। तो 11 किलोमीटर इसमें ज़्यादा कर दीजिए, जब सवारी गाड़ी का कितना है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस की चाल, एक्सप्रेस की चाल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 11। अब हो जाएगा आपका 33 प्लस 11 हो जाएगा कितना, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लास्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।